डबल न्यूज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र देवगौड़ यानी कि वीरेन। सबसे पहले मेरे पूरे हिंदू राष्ट्र देशवासियों को डबल न्यूज की तरफ से और गौड़ फैमिली की तरफ से आने वाले वार्षिक उत्सव यानी कि दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा मैसेज मेरे पूरे हिंदू राष्ट्र देशवासियों के लिए। दोस्तों, इस बार आतिशबाजी को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे राष्ट्र में कोरोना का कहर अभी भी जारी है और इस वक्त कोरोना पेशेंट्स को प्रदूषण के चलते सांस लेने में दिक्कत होती है। दोस्तों, इसलिए मैं स्पेशली आप लोगों से बोलने आया हूं कि आतिशबाजी को नजरअंदाज करें, दिवाली गरीबों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, गरीबों की दुकानों से शॉपिंग करके सेलिब्रेट करें, गरीबों का साथ देकर सेलिब्रेट करें, ताकि उन गरीबों की अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक व्यवस्था भी थोड़ी और अच्छी हो। तो दोस्तों, बम पटाखे की तरफ ध्यान ना देते हुए, कोरोना के साथ फाइट करते हुए, कोरोना पेशेंट का बचाव करते हुए, अपने देश के यानी कि अपने हिंदू राष्ट्र देश के हित के प्रति सोचते हुए दोस्तों, इस बार इस दिवाली आतिशबाजी को नजरअंदाज करें। एक बार फिर बोलना चाहूंगा डबल न्यूज की तरफ से और गौड़ फैमिली की तरफ से, आप सब लोगों को आने वाले वार्षिक उत्सव यानी कि दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं, गरीबों का साथ दीजिए, गरीबों की दुकान से शॉपिंग कीजिए और आतिशबाजी को नजरअंदाज कीजिए, ताकि हम कोरोना से फाइट कर सकें। क्योंकि अभी आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की कोई वैक्सीन ऐसी नहीं आई अभी जिससे इसका प्रॉपर इलाज हो सके। तो हमें अपने देश के बारे में सोचना है, अपने देशवासियों के बारे में सोचना, उनके स्वास्थ्य और मंगलमय होने की हमें कामना करनी है। तो इसी के साथ मैं वीरेंद्र देव गौर आप लोगों से विदा चाहूंगा।